हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले कुछ इस तरीके के। ये काफी सिंपल और क्रिएटिव है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप यहां तक आ चुके हैं। आपने जो बेसिक स्किल सेट थी वो कंप्लीट कर लिया है और नाउ अब से हम रियल आर्ट क्रिएट करना शुरू करेंगे। नाउ यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि इस ट्यूटोरियल में मैंने जो आर्ट बनाया, मैं चाहता हूँ कि आप भी सेम इस तरीके से आर्ट बनाए। आप कैमरा चेंज कर सकते हैं, कैमरा की जगह एक बिल्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर है नो प्रेशर, बहुत आराम से काम करो और सेम इस तरीके से आर्ट बनाओ, ठीक है? क्योंकि नाउ और नेवर ये पहला आर्ट होने वाला है आपका। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ आप इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करें बनाने के बाद, क्योंकि द बेस्ट टाइम इज नाउ। आप अभी से अपनी पोर्टफोलियो, अभी से प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करें एज अ बिगिनर। ये आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। एट द एंड, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे टैग कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। एंड आप हैशटैग भी यूज कर सकते हैं, अगर मुझे टैग ना करना चाहें तो मेड विद अभिषेक राय, मैं इसमें होगा क्योंकि मैं आपको फीडबैक दे सकूंगा। ये ऑप्शनल है, आप मुझे टैग करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे जाओ और सेम इसको कॉपी करो, एट देन कोई प्रेशर नहीं लेना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। ओके, देन आप यहां से चाहे, मैं इंस्टाग्राम में से कट कर लेता हूँ 4x5। ओके, परफेक्ट। इतना करने के बाद सबसे पहले हम अपनी बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट करेंगे। ये हमारी बैकग्राउंड है, आपको ऑल्ट होल्ड करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। फिर मैंने ये इमेज ली थी ओरिजिनल इमेज को, इस तरीके से आपका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने इसे पहले से इस तरीके से कट कर रखा है। इसे हम देख लेते हैं, देन आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसे ऑल्ट होल्ड करके छोटा करना है, ठीक है? परफेक्ट, ये यहाँ पे बैठ चुकी है। अब सबसे पहला काम हम जो करने वाले हैं वो आपको करना क्या है कि यहाँ से सॉलिड कलर की लेयर लेनी है, यहाँ पे सेट कर देना है और यहाँ पे ब्राइटनेस 50 कर देना है। ये 50% ग्रे की लेयर होगी, जैसे हम यहाँ से जाएंगे और कलर में रख देंगे, दैट्स ऑल। जूम करते हैं, सबसे पहले हम ब्राइटनेस मैच करेंगे। सब्जेक्ट और बैकग्राउंड मैंने नाम दे दिया। आप सबसे पहले हम इस लेयर पे वर्क करेंगे अपने सब्जेक्ट पे। यहाँ से आप जाओगे ह्यूमन सैचुरेशन पे जाओगे और कर्व्स पे जाओगे। अब देखो हम मैच कर रहे हैं इसकी ब्राइटनेस, ठीक है? सो आजू बाजू देख के मुझे इसे थोड़ा डार्क बनाना ही ठीक लग रहा है, ठीक है? यस, तो हम ब्राइटनेस मैच कर चुके हैं, थोड़ा सा मुझे डार्क करना था। अब इसे हटा लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में करेक्शन करेंगे। बैकग्राउंड पे ये दिख रहा है एक ग्रेन्स जाता है, तो आपको इस पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर पे जाना है। देन यहाँ जाने के बाद अब सबसे पहले ग्रेन्स कम करना है, तो इसके लिए मैं डिटेल्स पे जाऊँगा और नॉइज रिडक्शन इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है? ये देखिए ग्रेन्स चले गए। अब थोड़ा सा मैं इसमें टेक्सचर भी देना चाहता हूँ, सो यहाँ से टेक्सचर दे देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 14। एंड एट द एंड थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा सा, दैट्स इट। इतना होने के बाद अब हम यहाँ से मैच करेंगे अपना। इतना होने के बाद अब हम कलर मैच करेंगे, तो आपको यहाँ से जाके इसे ल्यूमिनोसिटी पे रखना है और यहाँ से जाएंगे ह्यूमन सैचुरेशन की लेयर लेंगे, सैचुरेशन पूरा कर देंगे। इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है, न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम हेल्प। अब ये फोल्डर हमारी हेल्प करेगा सैचुरेशन मैच करने में। मैंने आपको बताया इस कोर्स में कैसे कलर मैच करते हैं, ठीक है? नाउ सबसे पहले हम मैच करेंगे अपना ब्लैक कलर। ओके, तो यहाँ से आपको सिलेक्टिव कलर में जाना है और यहाँ से क्लिक करके क्लिप मास्क कर देना है सब्जेक्ट से, ठीक है? सबसे पहले ब्लैक कलर मैच करेंगे, तो यहाँ ब्लैक कलर है कहाँ? ये कैमरा में ये पार्ट ब्लैक है, ये दिख रहा है, और यहाँ शूज में ये है या ये ब्लैक है, और ये भी ब्लैक है क्लॉथ्स। तो चलो मैच करते हैं। ये इसको टर्न ऑन कर लेना है, एंड टर्न ऑन करने के बाद यहाँ जाके आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है? नाउ ये दिख रहा है, इसे हमें थोड़ा सा पर्पलिश टाइप से बनाना है, क्योंकि ये दिख रहा है ब्लैक कलर पर्पलिश है। ओके, दैट्स इट। चलो इसे पर्पल बनाने की कोशिश करते हैं, पर्पल और मैजेंटा कह सकते हैं आप। ये स्लाइडर से आपको ज्यादा मूव नहीं करने, पहली बात थोड़ा ही से मूव करना है, इट्स नॉट कि आप ज्यादा मूव कर रहे हो। That's it, आप अब देख सकते हैं वो
बिफोर आफ्टर, ये तो काफी मैच होने लगा वो, लेकिन आई थिंक सो ये दैट्स इट। स्लाइडर्स आपको ज्यादा मूव नहीं करना, जैसे मैंने बताया ठीक है, थोड़ा करना है, ज्यादा कलर चेंज। और ये मूव मैच होने लगा। अब हम चलते हैं व्हाइट की तरफ। सो व्हाइट को मैच करने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट पे व्हाइट है और यहाँ शूज पे यहाँ व्हाइट है, थोड़ा सा ये व्हाइट है, लेकिन जो परफेक्ट व्हाइट है वो मैच करेंगे। जैसे यहाँ पे व्हाइट है और ये शूज पे व्हाइट है, तो इसे मैच करेंगे। तो अब यहाँ पे ये व्हाइट दिख रहा है, ये ऑरेंजिश टाइप से है, ऑरेंज और येलो ठीक है। तो इस व्हाइट को मैच करते हैं, या फिर आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, बट एट द एंड ये सेम रिजल्ट देता है। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं व्हाइट पे और मैच करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाइट हमारा मैच हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑरेंज एंड ऑरेंज, ओके परफेक्ट। नाउ अब चलते हैं हम न्यूट्रल को मैच करने पे। न्यूट्रल्स कहाँ है, न्यूट्रल्स ये जो कैमरा का पार्ट देख रहा है ना, ये सब ये न्यूट्रल ही कलर है, और इसमें ये क्लॉथ है, ये न्यूट्रल कलर है। तो आपको यहाँ से अब न्यूट्रल पे जाना है, ओके एंड देन इस पार्ट को मैच करना है इन सब पार्ट, इस पार्ट से। सो मैं यहाँ पे गया, ना आप देख सकते हैं अब ये हमने मैचिंग कर ली है कलर परफेक्टली। यहाँ से आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ये काफी मैच होने लगा। यहाँ पे आप, मैं एक और टेक्निक मेंशन करना चाह रहा हूँ ठीक है, जो कि मैं यूज करता हूँ। यहाँ से ब्लैक ज्यादा है और यहाँ पे ब्लैक कम है ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे जाओ, कर्व्स के लिए लो, यहाँ पे क्लिक करके इसे क्लिप कर दो, इसे बड़ा करते हैं, और आपको इस पे क्लिक करना है ठीक है, ये दिख रहा है। और फिर ऑल्ट होल्ड करके एक बार ऑटो पे क्लिक करेंगे, फाइन एंड डार्क लाइट कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके अब आपको इसका डार्क पार्ट मैच करना है, जो अराउंड में डार्क पार्ट है ना वो मैच करना है। तो मैं देखता हूँ ये डार्क है, ओके एंड देन आपको इससे ब्राइटेस्ट पॉइंट, ये जो ब्राइट दिख रहे हैं या फिर ये, सो आई एस सो कि हमें ये वाला ब्राइट जो पीछे साइड दिख रहा है ना, इस ब्राइट से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना आप, तो ये ब्राइट पार्ट मिल जाएगा। ओके क्लिक करो, यहाँ से ओके, यहाँ से नो। अब यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे ना, ये दिख रहा है काफी मैचिंग बढ़ गई, लेकिन ये हमेशा थोड़ा सा फेडेड लुक देता है, तो मैं इसकी ऑपेसिटी हमेशा कंट्रोल करता हूँ। सो यहाँ से ये हम थोड़ा सा ऑपेसिटी कंट्रोल करते हैं, दैट्स इट। और अब ये काफी मैच होने लगा है परफेक्ट। अब ना हम शेडो क्रिएट करेंगे। तो शेडो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड पे जाना है, और यहाँ से जाने के बाद सॉलिड कलर की लेयर लेनी है, ओके कंट्रोल आई। और ये सॉलिड कलर की लेयर रहेगी ये यहाँ के ब्लैक से रहेगी। तो यहाँ पे आप डबल बार क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक सैंपल कर लेंगे, ओके ब्लैक सैंपल किया हमने, एक बार और करते हैं ओके। और इसे यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई मोड में आप रख देंगे, ओके एंड देन इतना करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पेंट करोगे सिंपली वाइट से लेके पेंट। इतना करने के बाद आप यहाँ से ऑपेसिटी कम कर दोगे, फ्लो कम करो, और थोड़ा सा बस यहाँ से वाइट लेके इसे हटा दो, दैट्स इट। एंड देन यहाँ से आप ऐसे धीरे धीरे पेंट कर सकते हैं ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपनी पहली शेडो क्रिएट कर ली है ठीक है, ये जो मेन कास्ट ड्रॉप हो रही है। अब चलते हैं टच शेडो की तरफ, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप जाएंगे और सॉलिड कलर की ले लेंगे सेम कलर, ओके यहाँ से मल्टीप्लाई मोड, ओपेसिटी 80% के अराउंड, ओके यहाँ से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, ब्रश लेंगे और फ्लो 33% ही रहेगा, और धीरे धीरे यहाँ से पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार ऐसे करो और धीरे धीरे यहाँ से,
परफेक्टली टेस्ट शेडो क्रिएट हो चुकी है। अब ऑपेसिटी मेंटेन करते हैं, हमें कितनी ऑपेसिटी चाहिए इसके लिए, 66 वुड बी परफेक्ट। ओके 63 परफेक्ट है। अब यहाँ से हमने दो शेडोज तो क्रिएट कर लिए, लेकिन अभी इनर शेडो वो बाकी है। तो यहाँ पे आप जाओगे सब्जेक्ट पे, और यहाँ जाने के बाद एक और सॉलिड कलर लेंगे, सेम ओके क्लिक करना है। यहाँ से जाके मल्टीप्लाई मोड, एंड देन यहाँ से ऑपेसिटी कम 55, कंट्रोल आई प्रेस करना है, देन यहाँ से ब्रश लेंगे। सो ये हमारी इनर शैडो तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप, ये इनर शैडो बन गई। नाउ नाउ अब हम ओवरऑल लाइटनिंग की बात करेंगे। तो आपको ऊपर जाना है, यहाँ जाके कर्व्स की लेयर लेनी है और इसे डाउन कर देना है, ठीक है, डाउन। एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्लिप मास्क हो जाएगा। कंट्रोल आई सी से इन्वर्ट करना है, एंड देन ब्रश लेके आपको ये 3% भी फ्लो रखना है, एंड यहाँ पे धीरे धीरे से पेंट करना है, ठीक है, क्योंकि लाइट हमारी इस डायरेक्शन से आ रही है, देख सकते हैं, और तो इस तरफ शेडो बनेगी। सो यस, ऐसे करके नॉर्मली पेंट करना है। जहाँ जहाँ शेडो आ सकती है, ओके, वहाँ वहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ नॉर्मली। इतना करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने शेडोज बना दिए हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, ठीक है, आराम से मैंने बनाया। ब्लेंडिंग ऑप्शन कुछ यूज नहीं किया है, नॉर्मल बस शेडोज क्रिएट कर दिए हैं, दैट्स इट, बहुत ईजी है ये। इतना करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, कर्व से लूँगा, और अब हम यहाँ पे ब्राइटनेस देंगे, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को। यहाँ पे आप क्लिक करके मास्क करेंगे, कंट्रोल आई सी से इन्वर्ट कर लेंगे, एंड दैट जूम करो, ब्रश लो, नॉर्मली यहाँ से पेंट करो, ठीक है, नॉर्मल लाइट आएगी ना वो बनाएंगे हम। मैं पेंटिंग करते वक्त ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान होता है कि कहीं मैं मिस्टेक ना कर बैठूँ, इस वजह से थोड़ा सा मेरा ध्यान। सो नॉर्मली यहाँ पे भी लाइट आएगी, ठीक है, नॉर्मल लाइट, ओके, बहुत ही बेसिक हम देख रहे हैं, नॉर्मल लाइट कहाँ कहाँ आ सकती है, हम बस ये ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल लाइट यहाँ आएगी, आपको यहाँ भी ड्रॉ करना है, ठीक है, दैट्स इट। कोई थोड़ी सी लाइट यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे भी पड़ सकती है। सो इसको हमने ऑलरेडी डायनेमिक लुक दे दिया है, ये देख रहे हैं पहला बिफोर आफ्टर। कैमरा को भी थोड़ा सा दे सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो हमें, ओके, कैमरा को भी दे देते हैं, ठीक है। कैमरा के लिए मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर लूँगा और इसे मैं यहाँ से जाके फिल करूँगा। ये मैं सेकेंड टाइप से डॉजन वन आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पर जाके लीनियर लाइट पर जाएंगे हम, एंड देन यहाँ से हम ले सकते हैं डॉजन वन टू। तो मैं डॉज टू लूँगा और थोड़ा सा ब्राइट अप करूँगा, ठीक है, राइट पार्ट को, कि हमने अपने सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ब्राइटनेस तो बनती है। ये पार थोड़ा ज़्यादा ब्राइट करेंगे हम, और ये पार थोड़ा ज़्यादा बर्न करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ कम कर दूंगा थोड़ी, 1%। तो ये देखिए बिफोर आफ्टर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लाइटनिंग चेंज की है, पर इससे बहुत ही बड़ा इफेक्ट आया है। अब हमारा काम होगा कि हम ओवरऑल लाइट मैच करें। तो सबसे पहले मैं इसको एक फोल्डर में रख लेता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड तक लिया, फोल्डर पे क्लिक कर, फोल्डर में आ गया। अब इस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, हेल्प लेयर की भी जरूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं।
अब ना अभी भी एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है, ये ब्लैक कलर इसके ब्लैक कलर से मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है अपना, यहाँ जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करना है और यहाँ जाके कलर रेंज पे क्लिक करना है एंड देन इसके ब्लैक कलर पे क्लिक करना है। तो ये आप ऑपेसिटी ले सकते हैं, ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं टॉप ब्लैक ही ले रहा हूँ। ओके क्लिक करो, ओके क्लिक कर देन यहाँ जाओ और सॉलिड कलर की एक ले लो। ओके, और ये सॉलिड कलर यहाँ से होना चाहिए, ठीक है, सैम्पल। तो पहले सबसे पहले आप करो क्या कि इसे यहाँ से क्लिप मास्क कर लो, ये इसका इफेक्ट इसी लेयर पे पड़े एंड देन यहाँ से सॉलिड, यहाँ से हम कलर लेंगे ब्लैक जो मैच हो एंड आई थिंक सो थोड़ा सा डार्क, ये कलर ठीक है। ओके ओके करने के बाद अब यहाँ से तुम ओपेसिटी मेंटेन कर सकते हो। सो आई थिंक सो पूरा नहीं, हम बीच में समथिंग रहेंगे, 72 परफेक्ट। अब ये मैच हो रहा है, दैट्स इट। इतना करने के बाद ओवरऑल कलर मैच करेंगे। ओवरऑल कलर मैच करने के लिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप कलर लुकअप में जाओ, यहाँ से कोई एक फिल्टर लो, जैसे ये फिल्टर लिया मैंने, ये फिल्टर लेने के बाद मैं इसे ह्यू में रख दूंगा और यहाँ से थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 32। फिर यहाँ से कलर लुकअप में जाऊँगा, आप कोई भी फिल्टर ले सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इससे थोड़ा कलर इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, बट इसे भी थोड़ा कम ही रखेंगे हम, दैट्स इट। 27 या 30, 23, पहले लुकअप में जाओ एंड देन एक और कलर लुकअप लो। यस, ये सही है क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा है हमारे इसमें, इसको मैं नॉर्मली रहने दूंगा लेकिन थोड़ा सा ब्लू कम करूंगा, ठीक है, दैट्स इट। इन तीनों को एक फोल्डर में रख लेते हैं एंड आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, जब थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग दी ना तो ये देखिए कितना मैच करने लगा। अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि हमारे सब्जेक्ट में ग्रेन्स नहीं है और यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रेन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को भी ग्रेन्स देंगे अपने। तो सबसे पहले नीचे जाओ आप, सब्जेक्ट पे जाओ, यहाँ से जाके कैमरा रॉ फिल्टर, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से ये इफेक्ट्स दिख रहा है, इसमें ग्रेन्स वाले पैनल को थोड़ा सा ऊपर कर दो। सो ये देखो आपको ग्रेन देखेंगे, पहले नहीं थे अब ये आ गए, सो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा दो, ठीक है, इतना बस काफी। ओके, ग्रीन्स अगर दोनों बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में रहे तो ये काफी अच्छे से ब्लेंड करने में हमारे पास है। ये देखिए अब पहले ये ग्रीन्स और यहाँ पे ग्रीन्स, ये काफी मैच होने लगा है। कंट्रोल ऑल्ट ई प्रेस करें एक साथ तो यहाँ से एक न्यू लेयर बन जाएगी, इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें, ठीक है, न्यू लेयर बन गई जितनी जितनी भी थी, ठीक है। फिर यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर में जाओ, कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से ग्रीन्स वाले पैनल को थोड़ा और बढ़ा दो क्योंकि अब हम ओवरऑल ग्रीन्स देना चाहते हैं। आप ये भी देख सकते हैं अगर नेट पर, ये ठीक नहीं लगेगा, थोड़ा ओवरऑल ग्रीन्स देने के बाद अब एक चीज़ कलर मिक्सर में जब आप जाओगे ना ह्यू एंड सेचुरेशन पे, तो जो ये पर्टिकुलर कलर है ना, तो ये जो एक्वा एक्वा कलर है तो एक्वा कलर से ये कलर चेंज होगा। तो यहाँ से ये देखो मैंने थोड़ा सा इसे एक्वा कलर थोड़ा रिड्यूस कर दिया बिफोर आफ्टर, परफेक्ट। ओके क्लिक करते हैं, ये हमारा एक सिंपल सा तैयार है, मैंने इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं फर्दर। तो हमारा आर्ट तैयार है, मैंने इसे काफी ज्यादा सिंपल रखा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, जाओ इसे बनाओ, सेम स्टेप्स फॉलो करो और आप इसे फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं और अपना टाइम देके प्लस में आप कैमरे को चेंज कर सकते हैं, आप कोई और चीज रख सकते हैं और मुझे टैग कर सकते हैं, मैं आपको फीडबैक दूंगा। तो मैं ऐसे ही आगे प्रोजेक्ट्स लाने वाला हूँ और धीरे धीरे हम अपने स्किल को और इम्प्रूव करेंगे, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो कमेंट करो यार, आपके कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। ओके, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं ट्यूटोरियल में, बाय बाय।